हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी रेलवे पर। दोस्तों लेके आ गया मैं यूपी ट्रिपल एससी पैट के लिए प्रैक्टिस सेट पहला, ठीक है, और इसके तुरंत बाद दूसरा भी आ जाएगा, ठीक है, तो उसको तुरंत देखिएगा। ठीक है भाई, यहाँ पे क्वेश्चनों की संख्या दे सकते हैं आप। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर मैं करा रहा हूँ, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, पिछले साल का पेपर कैसा आया था, और यहाँ पे क्वेश्चनों को देख लीजिए आप, कट ऑफ कितना पार कर पाएँ, कितने मार्क्स आपके आते हैं। चलिए क्वेश्चनों को देख लीजिए यहाँ पे आप, ठीक है। अब वीडियो स्टार्ट करते हैं, पूरा पेपर आप हल से देते हैं, यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगा। अब चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया। चलो भाई, इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, वायरल कर दीजिएगा, ठीक है। मैं आपके लिए इतनी मेहनत से पीडीएफ से क्वेश्चन पेपर ला रहा हूँ, तो इसके लिए आप इतना काम कर दीजिए, हो सके तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अभी लाइक कर दीजिए, नहीं तो बाद में आप भूल जाएंगे। चलो भाई, पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया जाता है, दिया मतलब किया जाता है, किया गया या तो कह सकते हो, ठीक है। अब बताइए इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा। देखो सबसे पहली बात तो बता दें आपको, अथर्ववेद यहाँ पे पहले का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलो भाई, पहले का ए ऑप्शन वैसे भी राइट है अथर्ववेद में, ये कि देखो अथर्ववेद में होता क्या है, मैं आपको बता दूँ। देखो अथर्ववेद में ये होता कि बीमारियों का उपचार होता था, और जो जादू टोना और भूत प्रेत बाधा ये सब होती थी, औषधियों का वर्णन भी अथर्ववेद में मिलता है। तो आपका भाई यदि ये भी पूछा जाए जादू टेना किससे रिलेटेड है, कौन से वेद से है, तो अथर्ववेद से रिलेटेड है। ये सब चीज़ें आपकी अथर्ववेद में होती थी, और वेद आपके चार होते हैं, अथर्ववेद, ऋग्वेद और ये सामवेद, यजुर्वेद, ठीक है। सबसे प्राचीनतम वेद आपका ऋग्वेद होता है, ये लिखा है ऋग्वेद, और सबसे प्राचीनतम ऋग्वेद होता है वैसे तो। चलो भाई, तो राइट ऑप्शन पहला है अथर्ववेद, वेद बीमारियों का उपचार होता था। अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, राइट ऑप्शन इसका क्या होगा। अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया, तो चांद बीबी यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। दूसरे का सी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। चलो भाई, अगला प्रश्न है दिया गया है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, गुरु नानक देव, ठीक है, गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना किस शताब्दी में की थी, गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना कब मतलब की थी, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, डी ऑप्शन मतलब कि 15वीं शताब्दी में की थी भाई। अगला प्रश्न है, पानीपत के तीसरे युद्ध में 1761 तीसरा युद्ध हुआ था, पहला आपका 1526, दूसरा आपका 1556, तीसरा आपका 1761। पूछा गया तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से किसने युद्ध किया था, अहमद शाह अब्दाली बताइए क्या और क्या होगा, तो बताया था आपको अहमद शाह अब्दाली व मराठों के बीच में हुआ था, तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, मराठों के बीच में हुआ था, तो ये तो आपको पता चल गया होगा, ठीक है। और 1761 ईस्वी में जन्म हुआ था, तारीख भी पूछ ली जाए भाई, तो 4 जनवरी को हुआ था, सबको आता होगा भाई, ठीक है। अब ये कि इसमें भाई अहमद शाह अब्दाली जीत गए थे, अहमद शाह अब्दाली जीत गए थे, मराठा हार गए थे, ठीक है। अगला प्रश्न है, डैश साम्राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी के हसन गंगू ने की थी, किस साम्राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने की थी। अब तो आपको आना ही चाहिए, सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे तो आपका तो फिर दिक्कत हो जाएगी, इसलिए रिवीजन करिए मैं जितना करा रहा हूँ, ठीक है। बैमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी को हसन गंगू ने की थी। अगला प्रश्न है, आधुनिक भारतीय नव जागृति का जनक किसे माना जाता है, छठा नंबर क्वेश्चन है, डी ऑप्शन यहाँ पे राइट ऑप्शन है, और इन्होंने क्या किया था बताइए, ब्रह्म समाज की स्थापना भी की थी। अगला प्रश्न है, सिपाही विद्रोह में 1857 सिपाही विद्रोह कहाँ हुआ था, और 1857 ईस्वी में शुरू हुआ था, ये तो पता होगा सबको, कहाँ हुआ था भाई, कहाँ हुआ था, मेरठ में हुआ था, सिंपल सा भाई, ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य के मेरठ शहर में हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका नाम भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में संबंधित नहीं है, आठवां नंबर क्वेश्चन है, तो भाई अशफाकुल्ला खां यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएंगे, सी पार्ट राइट है, पढ़ लेना। अगला प्रश्न दिया गया आपका, नवा नंबर क्वेश्चन है, देखो क्या लिखा है, अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई शहीद हो गई थी भाई, कब हुई थी, नवा नंबर क्वेश्चन, ये तो आपको आता होगा, तो 1858 ईस्वी को हुई थी, अगर केवल वैसे दे दिया जाए तो 18 जून 1858 ईस्वी में रानी लक्ष्मीबाई शहीद हो गई थी, ठीक है। नाम क्या था ये भी याद कर लेना, इनके पति का नाम क्या था, गंगाधर राव था इनके पति का नाम, रानी लक्ष्मीबाई के पति का नाम, ठीक है। चलो अगला प्रश्न है, दसवां नंबर क्वेश्चन है, 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी भाई, ठीक है, सबको पता होगा,
और कब हुई थी, 28 दिसंबर को हुई थी। सब डिटेल में बताएंगे इसको, थोड़ा ये क्वेश्चन डिटेल वाला है। 28 दिसंबर को 1885 ईस्वी की हुई थी, ठीक है, और बम्बई में हुई थी, ठीक है। बम्बई के कहाँ हुई थी, बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में हुई थी, संस्कृत विद्यालय में हुई थी, ठीक है, बम्बई में हुई थी। यही इतना पूछा है, ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछा जाता है, तो याद कर लेना फिर भी, बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था, ठीक है। और चलो पहला क्वेश्चन तो ये है, दूसरा पूछा गया स्थापना किसके द्वारा की गई थी। चलो अच्छा ये पूछा गया, चलो तो भाई किसके द्वारा की गई थी, एलन ऑक्टोवियन होम द्वारा की गई थी, ठीक है। अब बात आई, दूसरा क्वेश्चन तो ये समाप्त होगा। तीसरा क्वेश्चन ये पूछते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है। भारतीय अगर कह दे तो सरोजिनी नायडू जी हैं, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन ये पूछा जाता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, केवल प्रथम महिला अध्यक्ष है तो वो आपकी एनी बेसेंट है। अगर प्रथम भारतीय महिला कहते भारतीय तो सरोजिनी नायडू, अगर प्रथम महिला अध्यक्ष आपकी कहते तो एनी बेसेंट है। चार क्वेश्चन ये खत्म, पांचवा क्वेश्चन भी देखते हैं। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किसने किया था, तो डब्ल्यू सी बनर्जी, आपने बहुत सुना होगा, व्योमेश चंद्र बनर्जी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किया था। अब छठा नंबर भी क्वेश्चन ये भी आ सकता है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष या प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, बद्रुद्दीन तैयब जी थे। और इतने ही क्वेश्चन बन सकते हैं वैसे तो, और हाँ चलो इतने ही क्वेश्चन है। अल्फांसो किस फल की किस्म है, 11 नंबर क्वेश्चन है, बी ऑप्शन आम का है, ठीक है। इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो ऐसे पढ़ लेना, आम अल्फांसो, ऐसे थोड़ा याद कर लेना भाई, याद हो जाएगा। भारत में दूसरा सबसे बड़ा कच्चे तेल उत्पादन का राज्य कौन सा है, 12 नंबर क्वेश्चन का राजस्थान, दूसरा सबसे बड़ा कच्चे तेल का तो राजस्थान वैसे, ठीक है, याद कर लेना भाई हो सके तो, ठीक है। अब वैसे ये भी पता होगा कि भारत में सर्वाधिक कच्चे तेल का उत्पादन कहाँ होता है, तो बॉम्बे हाई में होता है, ठीक है। चलो भाई अगला प्रश्न है, वाम मेरिडियन जिस पर भारतीय मानक समय आधारित है, 13 नंबर क्वेश्चन है, राइट ऑप्शन 82 सही, 1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर, बी ऑप्शन राइट भाई पढ़ लेना। काकरापारा परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस राज्य में स्थित है, काकरापारा परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस राज्य में स्थित है, तो भाई वो आपका गुजरात में स्थित है, पढ़ लेना भाई हो सके तो। अगला प्रश्न है, उत्तर पूर्वी भारत में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील जो मणिपुर में स्थित है, सबको आती होगी भाई, सबसे बड़े ताजे पानी की झील कौन है भाई बताइए जरा, तो लोकटक झील है, ठीक है। और ये आपकी पूर्वोत्तर भाग में स्थित है, जो आपकी मणिपुर राज्य की एक झील है, ठीक है, यह आपकी ताजे पानी झील है वैसे तो, ठीक है। चलो भाई अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न आपका दिया गया है, ये देखो क्या लिखा है, केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई वो सेवा का नाम क्या है जो समान सेवा केंद्र CSC नेटवर्क पर उपलब्ध होगी और तकनीकी तौर पर सक्षम प्लेटफॉर्म की सहायता से नागरिकों को कानूनी सेवा प्रदाताओं से जुड़ेगी। पेपर है पिछले साल का, कितने आप कर पा रहे हैं उसी प्रकार से आपके आसपास नंबर आएंगे, कम आ रहे हैं कोई बात नहीं, प्रैक्टिस सेट करते रहिएगा, मेरे चैनल से मैं आपको कराता रहूँगा, सपोर्ट रहेगा तो और क्वेश्चन जल्दी, जितना ज़्यादा वो वीडियो होगा एक दिन में ज़्यादा डालने की कोशिश करूँगा वीडियो, तो सपोर्ट होगा तो ही आपके वीडियो आपके ज़्यादा आते रहेंगे, ठीक है, क्योंकि अब देखेगा नहीं कोई तो फिर वीडियो डालने कोई मतलब नहीं फिर, ठीक है, समझ रहे होंगे। अब भाई 16 नंबर क्वेश्चन है, राइट ऑप्शन इसका क्या होगा, बी पार्ट है। अब ये क्वेश्चन आपको बड़ा लग रहा होगा तो फिर से पढ़ो इस क्वेश्चन को, फिर से पढ़ो, ठीक है, ये नहीं कि छोड़ दो, फिर से पढ़ना भाई। चलो भाई 17 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, भारत में वस्तु एवं सेवा कर GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स होती है, किस शुरुआत कब की गई थी भारत में। चलो भाई 17 नंबर क्वेश्चन है, तो डी ऑप्शन, मतलब कि आपका 1 जुलाई 2017 से की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत में रिजर्व बैंक का मुख्यालय 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना हुई थी और कहाँ हुई थी, मतलब मुख्यालय इसका कहाँ पूछा गया, मुख्यालय कहाँ है भाई, सिंपल सी बात है, कहाँ है मुख्यालय बताइए। चलिए तो मुंबई में है, पता होगा सबको, मुंबई मुख्यालय RBI का, भारतीय रिजर्व बैंक का। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न को अच्छी तरह पढ़ना, बिटकॉइन DASH एथोरियम मोनारो लाइट काइन और जेट कैश जैसी क्रिप्टो मुद्राओं का उपयोग करके परियोजनाओं के लिए धन, क्रिप्टो आपके ट्रेंडिंग में थे पहले याद होगा पता होगा, के लिए धन एकत्रित करने के आने में साधनों को डैश का नाम दिया गया है, 19 नंबर क्वेश्चन है, तो सी ऑप्शन इनिशियल कॉइन ऑफरिंग। अगला प्रश्न है, 20 नंबर क्वेश्चन है, किस उद्देश्य के लिए भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू की गई है। 20 नंबर क्वेश्चन है,
कृषि और सिंचाई। भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता होगा, 21 नंबर क्वेश्चन है, तो डी पार्ट आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, सुकुमार सेन। ये आपको पहले भी मैं करा चुका हूँ तो समझ गए होंगे। चलिए अब ये भी इसका कार्यकाल पूछ लिया जाए तो याद कर लेना, 21 मार्च 1950 से लेके 19 दिसंबर 8 साल केवल, ठीक है, 19 दिसंबर 1958 तक कार्यकाल रहे थे, ठीक है। और इन्हें कब, सुकुमार सेन को 1994 ईस्वी को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, ठीक है। और ये कहाँ के निवासी हैं भाई? सुकुमार सेन पश्चिम बंगाल के निवासी हैं। अगला प्रश्न, चलो भाई अगला प्रश्न दिया गया, 21 नंबर क्वेश्चन हो गया भाई, ठीक है, सुकुमार सेन तक। चलो भाई 22 नंबर क्वेश्चन दिया गया आपका, केंद्रीय संसदीय मामलों के मंत्रालय MOPA ने संसद में ई संसद और राज्य विधानसभा में ई विधान से आगे बढ़ने का प्रस्ताव दिया है। 22 नंबर क्वेश्चन है, राइट ऑप्शन सी पार्ट हो जाएगा, डिजिटल करने और उनके कार्यों को कागज रहित बनाने के लिए। 23 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, दक्षिण 23 और 24 एक साथ देख लेंगे, 24 बहुत इंपॉर्टेंट है। दक्षिण भारत का सर्वप्रथम एवं देश का आठवां न्यायालय है जिसमें ई कोर्ट भुगतान सुविधा की शुरुआत की गई थी। 23 नंबर क्वेश्चन है, राइट ऑप्शन इसका बी पार्ट, मद्रास उच्च न्यायालय, यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? 24 नंबर क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल है, याद होगा, भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। और जब ये भी क्वेश्चन पूछे थे, राष्ट्रपति यदि अनुपस्थित हैं अगर, तो उनका कार्यभार कौन संभालता? वो उपराष्ट्रपति संभालता। अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों अगर अनुपस्थित, तो भाई उनके भारत के मुख्य न्यायाधीश संभालता है। चलो भाई अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस भाग के तहत गोपनीयता के अधिकार का उल्लेख किया गया है? 25 नंबर क्वेश्चन है भाई, बताइए जरा राइट ऑप्शन इसका क्या होगा। 25 नंबर की बात है, सी ऑप्शन, यहाँ पे भाग तीसरे में। एक धातु की पतले तार के रूप में खींचे जाने की क्षमता कहलाती है, तो ये तो सबको आता होगा, सही सोच रहे हैं आप लोग, तन्यता या राइट ऑप्शन है। नेत्र की अनुकूलन शक्ति समानता आयु बढ़ने के साथ घटती है, हाँ ये तो सिंपल बात है, या विकार कहलाता है, ये कौन सा दोष है भाई? 27 नंबर क्वेश्चन है भाई, डी ऑप्शन है, वैसे जरा दूर दृष्टि, ठीक, वैसे ये बुढ़ापे में होता है, ठीक है, आयु बढ़ने के बाद में होता है। अगला, चलो भाई अगला प्रश्न आई दिया गया आपका, अतिचालकता हेतु वांछित निम्न तापमान प्राप्त करने के लिए क्रायोस्कोपी में डैश प्रयुक्त होता है? 28 नंबर क्वेश्चन है, हीलियम, यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। एक संवर्धन में जीवाणुओं की संख्या प्रति घंटा दोगुनी हो जाती है, यदि मूल रूप से संवर्धन में 30 जीवाणु उपस्थित थे तो चौथे घंटे के अंत में कितने जीवाणु उपस्थित थे? 29 नंबर को, ये क्वेश्चन सेम टू सेम आया था भाई, इसको आप हल करेंगे तो टाइम लगेगा, सीधा पढ़ लो। यहाँ पे राइट ऑप्शन इसका क्या होगा, सी ऑप्शन 480 हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी अम्लों का घटक है, पृथ्वी अम्लों का एक घटक है, 30 नंबर क्वेश्चन है, बताइए राइट ऑप्शन क्या होगा, तो NaHCO3 है जो पृथ्वी अम्लों का घटक है। अगला प्रश्न, तो आपका NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगला प्रश्न है, देखो ये क्या क्वेश्चन लिखा आपका, चलो भाई देखते हैं। कूट भाषा में टर्न को STQM के रूप में लिखा जाता है, मतलब कि, तो लिंप को क्या लिखा जाता है, LIMP। देखो एस के बाद टी आता है, तो एल के पहले क्या आता है, जे के एल होता है, तो के आएगा पहले, ये आएगा के, ठीक है, इसका मतलब के तो आना ही आना है आपका, ठीक है, इतना तो कन्फर्म हो गया। चलो अब ये कि देखो, अरे कुछ नहीं, देखो ऐसे एस के बाद टी आया, टी यू के बाद यू, तो आई के पहले क्या आता है, एच, चलो ठीक, के एच मैच कर रहा है, देखो क्यू आर एन आई क्या आएगा, एल एम, हाँ तो के एच एल किस में है, इसमें भी है और इसमें भी है, और इसमें क्या एम एन, तो पी के पहले क्या आता है, ओ पी होता है, सिंपल था वैसे, ये राइट ऑप्शन है, ठीक है। ये कि माइनस का एक किया जा रहा है, सीधी बात समझ सकते हो। अगला प्रश्न है, ग्लोबल एंटी टेररिस्ट वॉच डॉग फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने किस देश को 2021 तक के ग्रे लिस्ट में बनाए रखने का फैसला किया है? 51 नंबर क्वेश्चन है भाई, राइट ऑप्शन इसका बी पार्ट है, पाकिस्तान राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया आपका, मार्च 2021 के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाने वाला 30वां बिहारी पुरस्कार किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? 52 नंबर क्वेश्चन है, डी ऑप्शन, यहाँ पे मोहन कृष्ण वोहरा राइट ऑप्शन हो जाएंगे। 53 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, मई 2021 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किस राज्य में सीतामढ़ी हिल्स के जुलजुल पहाड़ के पास एक टीले के नीचे दफन बौद्ध मठ की खोज की है? 53 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन, झारखंड राइट ऑप्शन हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन दिया गया आपका,
मई 2021 में, देखो क्या लिखा, मई 2021 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भारत के 112 सबसे प्रदूषित स्थलों में किस राज्य को प्रथम स्थान दिया है। 54 नंबर क्वेश्चन की बात है, सी ऑप्शन उड़ीसा। अब भाई हो सके प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा, प्लीज़ हो सके लाइक कर दीजिएगा। 55 नंबर क्वेश्चन दिया गया, चलो भाई 55 नंबर क्वेश्चन दिया गया, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से जुड़े निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भाई 55 नंबर क्वेश्चन है, विचार करना तो देखना पड़ेगा सब कुछ। महंत नृत्य गोपाल दास को इस ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया, बिल्कुल सही है। ट्रस्ट के निर्णयों के अनुसार अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होगा, बिल्कुल सही है। नृपेंद्र मिश्रा को भूमि विकास, ये भाई आ सकता है भाई अयोध्या से रिलेटेड, समझ सकते हो, राम मंदिर से रिलेटेड पढ़ लेना। नृपेंद्र मिश्रा को भूमि विकास समिति का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है, तो भाई ये कथन तीनों सही है, पहले दूसरे तीसरे, तो भाई ये सभी राइट ऑप्शन, भाई ये तीनों कथन सत्य हैं, ठीक है। तो भाई आप हो सके तो प्लीज़ पढ़ लो इनको, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है पढ़ लेना भाई, ठीक है। चलिए वीडियो रोक के पढ़ना अब। चलो भाई देखो क्या लिखा है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी निदेशक का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया। 56 नंबर क्वेश्चन है, तो भाई सीमांचल दास को नियुक्ति किया गया। अगला प्रश्न है, ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का हेडक्वार्टर कहाँ पे बताइए जरा, वाशिंगटन DC में, ठीक है, अमेरिका की राजधानी जो है। अगला प्रश्न है, चलो भाई 57 नंबर आपका क्वेश्चन दिया गया है, एशियाई बैंक के द्वारा किसको भारत के लिए नया कंट्री डायरेक्टर नियुक्त किया गया। 57 नंबर क्वेश्चन है, बताइए राइट ऑप्शन इसका क्या होगा, तो टेको कोनिसो को नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न दिया गया आपका, किस जाने माने एक्टर को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का प्रमुख नियुक्त किया गया है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। तो भाई 58 नंबर क्वेश्चन है, राइट ऑप्शन इसका सी, परेश रावल जी को किया गया है। अगला प्रश्न है, 59 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 की थीम क्या थी, ये शायद मैंने पिछले वीडियो में भी कराया था, चलिए बताइए क्या है। 59 नंबर क्वेश्चन है, तो भाई ए पार्ट है, पढ़ लेना भाई, 2021 का भी करंट करा रहा हूँ ये ध्यान रखिएगा। वुमेन इन लीडरशिप एचविंग एन इक्वल फ्यूचर एन ए COVID-19 वार्ड। अब ये कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब होता है, 8 मार्च को होता है, याद कर लेना, ये भी आ सकता है, वैसे इतना सरल नहीं आएगा, याद कर लो। पर ब्लू फ्लैग समुद्र तटों की मैदान की गई प्रदान की गई विश्व स्तरीय मान्यता प्राप्त इको लेबल प्रमाणन या किस देश द्वारा प्रदान किया गया जाता है। 60 नंबर क्वेश्चन है, राइट ऑप्शन इसका क्या होगा, ए पार्ट राइट ऑप्शन, डेनमार्क राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 61 नंबर क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सी आयरलैंड की राजधानी है। 61 नंबर क्वेश्चन है, आयरलैंड की राजधानी है जो, तो बी ऑप्शन यहाँ पे डबलिन है, आयरलैंड की राजधानी डबलिन है, पता होगा सबको, पढ़ लेना भाई, ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। चिपको आंदोलन से जुड़े निम्नलिखित कार्यकर्ताओं में कौन रेमन मैक्सेस पुरस्कार विजेता है, सबको आता होगा भाई ये तो। चलो भाई चंडी प्रसाद भट्ट ने जो उन्होंने चिपको आंदोलन से रिलेटेड रेमन मैक्सेस पुरस्कार मिला था, सुंदरलाल बहुगुणा नहीं होंगे, 62 का ए पार्ट यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। 61 का बी ऑप्शन था, पता होगा सबको, और 60 का ए ऑप्शन था। अगला प्रश्न दिया गया, चलो भाई अगला प्रश्न है, अरुण सौरी निम्नलिखित किस पुस्तक के लेखक है, पुस्तक से एक क्वेश्चन आएगा, पढ़ लो। 63 नंबर क्वेश्चन है, राइट ऑप्शन इसका बी पार्ट, अनीता गट्स बेल राइट ऑप्शन है। 64 नंबर क्वेश्चन दिया गया, ए हॉर्स वॉक्स इनटू ए बार नामक अपने उपन्यास के लिए मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार किसने जीता है। 64 नंबर क्वेश्चन है, तो बी पार्ट, डेविस ग्रॉसमैन ने जीता है। अगला प्रश्न, 65 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, UFO मूवीज इंडिया की फिल्म ऑन व्हील अवधारणा को क्या कहा जाता है। 65 नंबर क्वेश्चन है, तो राइट ऑप्शन सी पार्ट है, कार्मा टॉकीज। अगला प्रश्न दिया गया है, SV सुनील निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। 66 नंबर क्वेश्चन है, डी हॉकी से संबंधित है। अगला प्रश्न दिया गया, राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी। भाई देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना, पहले ही बता दे रहे पेपर के लिए, ठीक है, बाद मत के बताया नहीं था। 67 नंबर क्वेश्चन है, बी ऑप्शन जयंती पटनायक, आप ही के लिए कह रहे हैं कि आप थोड़ा पढ़ लें, ध्यान दें, ठीक है, आ सकता है ना, इसलिए कहा था केवल, तो बी ऑप्शन देखो दोस्तों राइट है, 67 का बी। अगला प्रश्न दिया गया है, ये तो हो गया, भारत सरकार द्वारा गौरवमय ध्यानचंद पुरस्कार किस वर्ष संस्थापित किया है। 68 नंबर क्वेश्चन का ए पार्ट, 2002 में किया गया था, पुराना है पर पढ़ लो, ठीक है।
स्थापित कब किया गया था ना पूछा गया, तो भाई ये बताना जरूरी। साहित्य के क्षेत्र में भाई ये क्वेश्चन आपके आए हैं, ठीक है। आपको जो भी लग सही आपको जैसे लग रहे हो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते, कठिन सरल जैसे भी लग रहे हो, ठीक है भाई, ऐसे ही क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आए हैं, पिछले साल का पेपर है ये। साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु दिए जाने वाला पुरस्कार 69 नंबर क्वेश्चन है, तो भाई पुलित्जर अवार्ड है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फुटबॉल से संबंधित नहीं है, तो 79 का क्या होगा, सॉरी 70 नंबर क्वेश्चन, चलो भाई 70 नंबर क्वेश्चन की बात है, तो ए ऑप्शन ड्रिबल, जो फुटबॉल संबंधित नहीं है, ठीक है। चलो भाई अब ए ऑप्शन राइट इसका। अब देखो इतने क्वेश्चन आपको करा दिए तो आपका केवल एक काम बनता है, प्लीज़ हो सके तो एक काम कर दीजिएगा, प्लीज़ हो सके लाइक जरूर कर दीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, मेरा सेकंड चैनल आपको मिल जाएगा डिफेंस स्टडी, जिसमें हमने आपको 1000 वीडियो कराएं, प्लीज़ जाकर उसको भी चेक कर लीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा उसको, और इस चैनल को सब्सक्राइब आपको करना है। इसी तरह की तैयारी मैं आपको कराता रहूँगा। वीडियो अच्छा लग रहा तो लाइक जरूर करिए।